जहाँ चित्र देखाउथिले एवं विस्तृत भाव संतोष जो सूचना दौले कि भाव से वर्षा और पवन रेग जो भाव रही चांदीपुर भी आप देखुं जे अशांत हो समुद्र जो बालेश्वर एवं भद्रक जुआर 4 मीटर पर्यंत जुआर आसी पारे एवं केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर 2 मीटर पर्यंत एवं ऑलरेडी विभिन्न जगार प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होन दृश्य कहि जे बाहनगा धामरा और चांदीपुर किभली दृश्य रही जो कथा एसआरसी कहते जे जो माने अच्छा एबी जो माने कच्चा घरे अच्छा से पक्का घर को जातु बात्या आश्रयस्थल को जातु कारण ये 3-4 घंटा प्रोसेस लगे 10-11टा भितर लैंडफल प्रोसेस आरंभ हो ये देखु आप देखुं जे धामरार विजुआल और धामरार विजुआल आप चित्र सामने अच्छी कौ भाई भाव पवन एवं पवन जो कि भाव ये प्रभावित हो वर्षा जो कि प्रभावित ये हूँ तार चित्र संतोष मो सहयोगी सेठी अच्छा एवं सी आपन को अपडेट दौंती गत काली आम बारंबार आपंक सामना को आणुचु एवं विभिन्न समय ये चित्र आनीचु जे ये हूँ धामरार चित्र एवं धामरारे कि स्थिति अच्छी वर्तमान समय पखापाखी 6:10 वर्तमान एवं वर्तमान चित्र देखु गत काली जहाँ प्रेडिक्ट करा जे 5:30 धामरा छुईब किंतु जेहेतु ये यश्र समुद्र भितर यश्र बेग कमुची एवं से जो बेगरे आसुला से बेग 10-12 किलोमीटर हो गला 17-18 किलोमीटर थी से विलंब होले होसीबी एक कथा कहले और दिन 11टू प्रोसेस आरंभ हो जहाँ पवन बेग रे 10-130-140 किलोमीटर एवं गस्टिंग झटका देव 155 किलोमीटर पर्यंत एवं तितली रे भी यह थी फनी आकार आहरी अधिक थी फनी रे पाखापाखी 200 किलोमीटर पर्यंत थी आप देखुं धामरा धामरारु 60 किलोमीटर दूर रही बात्या यस पारादीप ठारु 90 किलोमीटर दूर रही यस एवं ये हूँ वर्तमान अपडेट बालेश्वर रु 100 किलोमीटर दूर रही यस एवं धामरा पाख आखपाखे स्थल भाग छुईबार संभावना रही घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर माड़ी आसुची यस एवं टी बेग बढ़े 10-11 थी धामरा ठारु 60 किलोमीटर दूर रही बाहनगा धामरा ये मझे मझीरे ये लैंडफॉल कर जो कथा एसआरसी श्री प्रदीप जेना भी कहते बालेश्वर रु 100 किलोमीटर दूर रही वर्तमान ये जहाँ बिग ब्रेकिंग यश्र धामरा आखपाखे स्थल भाग छुईबार संभावना रही घंटा प्रति बासुदेवपुर और बाहनागा भितर लैंडफॉल कर जो कथा एसआरसी कहते कि समय आगु आर्गस को एक्सक्लूसीव इंटरव्यू दौले मो सहयोगी दिव्यज्योति महांती एक्सक्लूसीव इंटरव्यू नौते श्री प्रदीप जेना एसआरसी से कहते जे एटि बासुदेवपुर और बाहनगा भितर ये लैंडफॉल कर धामरा निकट रे एवं ये बालेश्वर जहाँ प्रेडिक्शन करा एवं क्षतिग्रस्त हो विशेषकर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर एवं भद्रक यही अंचल प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हे और वर्षा भी आरंभ हो गला विभिन्न स्थान में आम ग्राउंड जो मैंने रिपोर्टर अच्छा आम तुम्हें देखा चित्र सामना को आणुंट आपण भी देखुं ये जो बना कथा बात्या कथा कह बात्या सहित ये ओडिशा रे विभिन्न समय बात्या आसी 1999 कथा कहतु महावात्या सुपर साइक्लोन 300 किलोमीटर बेगर पवन बही पूरा उपकूल को ध्वस्त विध्वस्त कर जगत सिंहपुर जिला झारखार हो जाता 2013 फाइलिन पुणी उदूद आसला दक्षिण ओडिशा उपकूल ओडिशा प्रभावित होता पुणी तितली आसी अंफान आसी फनी आसी फनी कटक पुरी और भुवनेश्वर विशेष भाव पुरी और भुवनेश्वर खोर्धा ये बहु भाव क्षतिग्रस्त होता भुवनेश्वर 12-14 दिन पर्यंत विद्युत भी नाला ता सहित गछ उपड़ी जा पुरीर अवस्था बहुत दिन धरी अंधारे थिला पुरी सहर एवं पुरी रे ध्वस्त विध्वस्त एवं तांडव रचिता फनी किंतु ये जो आसुची यस ये जहाँ कहले एसआरसी जे इंटेनसीफाए होना धीरे धीरे आसुची देखु धामरा आखपाखे घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर माड़ी आसुची यस ये हूँ यश्र बिग ब्रेकिंग धामरा ठारु 60 किलोमीटर दूर रही बात्या यस धामरारु आम ताजा चित्र दौले संतोष पारादीप ठारु 90 किलोमीटर दूर रही यस बालेश्वर रु 100 किलोमीटर दूर रही यस एवं एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बेगर आसुची धामरा आखपाखे स्थल भाग छुईब एवं घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर माड़ी आसुची यस बेग बदलाउची बात्या यस कारण किसो पूर्व जितने एसआरसी कहते 12 थिला घंटा प्रति 12 किलोमीटर ता पूर्व 13 थिला केत 14-15 एमती अच्छी गुरुत्वपूर्ण सूचना होची जे एबे कहा जाउची 4 घंटा लगे कारण घंटा प्रति 15 घंटा प्रति 15 हेले धामरा पाखरु 60 किलोमीटर दूर अच्छी वर्तमान यस तो 4 घंटा हेले 6टा बाजी 10टा तेणु जहाँ एसआरसी किशनपुर कहते जे प्रथम आकलन कर सकाळ अर्थात भोर 5:30 धामरा छुईब
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବେଗ କମିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି 15 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ୟସ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଧାମରା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାମରା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଖବର ନେବା ୟସ୍ ବ୍ରେକ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଆଗକୁ ନେବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର जो इनर कोर एरिया होता है साइक्लोन का उसमें कभी 50 कभी 100 वो होता है इनर कोर एरिया जब टच करते हैं तब बोलते हैं लैंडफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ है। सर परफेक्ट टाइमिंग कितना है जो लैंडफॉर्म परफेक्ट टाइम हमारा अराउंड नून ही बोला है अराउंड नून मीन्स आपका नून टाइम है 11 to 1 अराउंड पकड़ने से आपका 10 बजे से भी हो सकता है अराउंड मीन्स ठीक है क्योंकि यार लैंडफॉर्म तो जैसा ये बोला है आपने प्रोसेस होता है ठीक है स्टार्ट हुआ फिर ये अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ ठीक है इंटेंस थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर तो इधर उधर होता ही है थोड़ा सा कम है ठीक है जो इंटेंसिफिकेशन वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म तो हुआ है बट 100 अब जो बोला सही कहा जो 155 to 165 पहले हमारा कल था अभी 140 to 155 50 एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।